आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल रियल ह्यूमैनिटी व्लॉग्स में। और आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जो मांजा किस तरीके से तैयार किया जाता है, कैसे उस पर कलर चढ़ाया जाता है, और वो जो कलर होता है वो जो यूज करते हैं वो किस किस मटेरियल का बना होता है, वो सब चीज़ें मैं आज मेरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा अच्छे से और बताऊँगा भी डिटेल में। चलिए मेरे साथ। तो एक बार बता सकते मुझे किस किस चीज़ का रहता है? कांच कांच कलर हो गया, और कनकी जो चावल आता है ना उसकी छोटी कनकी आती है, कनकी चावल की छोटी कनकी आती है। उसमें क्या होता है, चावल को भापना पड़ता है, भाप देना पड़ता है, भाप देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इसको पीसना पड़ता है। ओके, की जाती है सुबह का जैसे तो मिट्टी को मजबूत करती है, उसको मजबूत होता है। ओके, तो उसकी पकड़ पकड़ती है, पकड़ बन जाती है। हाँ, कैसे करते हैं आप, करके दिखाओगे? इसमें डोरी फंस जाती है, एक एक कर एक एक धागा ऐसे रखते हैं। से बाहर निकलती नहीं है गैप के अंदर। अच्छा, ऐसे मोटा कपड़ा मतलब ऐसे गैप पे तो कपड़ा पट्टी आती है छोटी सी, कपड़ा वही पट्टी जो टेप रहती है वही टेप बांध, नहीं कपड़ा आता है। जैसे कि हमने ये बंडी है उसको फाड़ दिया और ऐसी छोटी सी पट्टी बना दिया। ओके ओके। अच्छा, मनी मुझे लगा जो पतंग उड़ाने के लिए जो टेप पहनते ना वो वाली है। अच्छा, ऐसे उंगलियों में लगा करके फिर इसको घिसते जाते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इसको जुटा रखना पड़ता है। तो धागा है ना सब, हाँ हाँ खुला रहता है, देखो हाँ खुला रहता है, खुला है ना, हाँ हाँ। अगर जोड़ जाएगा तो दूरी नहीं खिंचाएगी, थोड़ा खींच जाते ऐसी पकड़ बना ली करती है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जो ये अंकल जी हैं कितने अच्छे से बता रहे थे कि ये जो मैं एक तरह से किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसको चावल का ये रहता है और उबाल करके इसको बना करके ये सब अपने घर पे ही बना करके लाते हैं और उसके बाद यहाँ इसको रेडी करते हैं। 100 रुपये में ये 1000 मीटर का करते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि सच में यार मैं इनको देख करके हैरान हो गया कि कितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से रस्से को घिसना, कम से कम यहाँ पर 8-10 लोगों की टीम रहती है और दिन भर ये काम करते हैं। कितनी मेहनत होती है, क्योंकि एक हाथ से लगातार ये मेहनत चलती है, तो सच में बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ ये लोग काम करते हैं। मैं रियल में बहुत हैरान था कि यार इतनी मेहनत करना इस तरीके से एक एक धागे को, क्योंकि जो ये धागा जो बनाते हैं इस धागे को बहुत बेनिफिट रहता है कि ये पक्षी वगैरह को भी नहीं काटता है, काफ़ी अच्छा रहता है। जो दूसरा धागा रहता है वो थोड़ा सा बोलते हैं कि वो शायद पक्षी वगैरह के लिए भी बहुत हानिकारक है। और इस तरीके से ये रोल तैयार करते हैं, ये इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, अपने खुद ही बना रखा होगा, देसी है, जुगाड़ सा है, बट काफ़ी अच्छा भी है। और यहाँ से इस तरीके से धागा थोड़ा उलझ गया, और ये इनका मटेरियल है जो ये बना करके लाते हैं। ये सब पानी में है जो कलर वगैरह इस तरीके रेडी करके रखते हैं, और ये चावल वगैरह का सब बना करके इसको अपने हाथ में ले करके फिर ये घिसना शुरू करते हैं इसमें। और थोड़ा थोड़ा घिसते घिसते किस तरीके से, क्योंकि कलर जो चढ़ता है वो एक राउंड में भी नहीं चढ़ता, बहुत मेहनत होती है तब जा करके ये कलर चढ़ता है। सच में अमेजिंग मानता हूँ मैं इन लोगों को, इनकी मेहनत को, और दिल से दुआ करता हूँ कि इन लोगों को हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि ऐसी मेहनत करना बहुत ही ज़बरदस्त
बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम रहता है, क्योंकि आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उस ज़माने में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सच में यार वो तारीफ़ के काबिल है। मेरी मैं तो यही फीलिंग्स हैं कि ये सच में बहुत ही हाई फाई मेहनत होती है, क्योंकि इस तरीके से फिजिकली प्रैक्टिकली वर्क करते हुए और आप लहंगा तैयार करते हो। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इनके अंकल जी हैं, उम्र भी इनकी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि कोई 15-20 साल का लड़का है तो इतनी उम्र के, लेकिन इनका क्या है, ये डेली रूटीन का इनका काम रहता है, इस तरीके से घिसाई जो करते हैं और बहुत मेहनत का होता है और बॉडी जो है उस तरीके से आदित हो ही जाती है कि ये काम जो चलता रहता है। तो आप लोग देखिए कितना ज़बरदस्त और कितनी अमेजिंग इनकी मेहनत कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। और अभी मैंने आप लोगों को ये तरीका दिखाया है, मैं कुछ और भी आप लोगों को बताऊंगा, एक दूसरा तरीका जो रहता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर बनता है। अभी आप लोग इसको देखिए, इनकी मेहनत को, इनके तरीके को, किस तरीके से ये जो धागे हैं उन्हें अपने हाथों में फंसा करके और जो ये बना रखा है इन्होंने मटेरियल कलर वाला, इसको हाथ में पकड़ करके जो इसकी घिसाई करते हैं और आगे से आगे ये रंग करते हैं। और देखिए अभी अंकल जी हैं ये थोड़े से जो दूसरे भाई साहब वो मजाकी भी करते हैं कि अंकल कैसे गुजराती डांस वगैरह करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो भाई आ रहे पीछे, ये काफ़ी मस्ती खो रहे हैं, मतलब मजाकिया हैं और सच में मजाक लाइक है। डांस का शौक है काका को, है देखो बेटा साइड हो जाओ, और ये मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक दूसरी जगह, किस तरीके से ये लकड़ी के पोल वगैरह गाड़ करके और धागे वगैरह को लपेट करके ये यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं जो मैंने पहले वाले दिखाया। तो चलिए इसमें उससे भी बड़ा लेवल पे काम चल रहा है, मैं तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो कि उससे भी जो ये लकड़ी के जो गाड़े गए हैं गुटके वो भी काफ़ी हैं और वो पीछे लंबाई है वो भी ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ भी हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लोगों से। चलिए काका, ये ऐसे फर्क क्या रहता है वायर में? क्या रेट रहता है इसका? 100 रुपया 1000 मीटर। 1000 मीटर का 100 रुपया? और एक तो जो कलर डुबकी लगाते हैं कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क है? इसमें बहुत फर्क है। कैसा फर्क है उसमें? इसमें पानी चलता है। उसमें क्या रहता है? ये हाथ घिसाई है। ये हाथ घिसाई बोलते हैं, और जो पानी में डुबकी लगा के करते हैं ढोकला बोलते हैं। ढोकला बोलते हैं उसको। तो देखा दोस्तों, जो इन्होंने बताया कि जो हाथ से घिस करके है इसको हाथ घिसाई बोलते हैं, और ये धागा काफ़ी अच्छा भी रहता है, मजबूत तो एक नॉर्मली रहेगा, लेकिन ये एक सिस्टम इनका ये रहता है कि जो वाइट वाला धागा है वो रोल फॉर्म में मिलता है, उसको ये परचेज करके या फिर अपन लोग परचेज खुद कर सकते हैं और इनको दे सकते हैं। तो ये 100 रुपये जो 1000 मीटर का इनका जो चार्ज रखते हैं, और इस तरीके से अपन इनको दे करके करवा सकते हैं। और देखिए इन्होंने डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल बोल सकते हैं स्टैंड वगैरह लगा रखे हैं, और ये दो धागे हैं, 9 धागे के इस तरीके से उंगलियों में फंसा करके करते हैं, और ये कपड़ा वगैरह अच्छे से बांध करके रखते हैं क्योंकि अदरवाइज ये उंगलियों को भी काट सकता है, इस तरीके का ये धागा रहता है। और कलर वगैरह चढ़ा करके इस ये जो मटेरियल बनाते हैं, आप लोगों ने देखा कैसे मेरी वीडियो में कि मटेरियल जो बनाते हैं, एक दूसरा प्रोसेस भी रहता है, वो मैं आप लोगों को मेरी जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे ये लकड़ी का जो पोल है और इसमें ये जो कील गार्ड रखी है इन्होंने और ये धागा इसमें लपेटते हैं, सच में मेहनत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मैं भी खुद हैरान हूँ। लेकिन जो भी है, क्योंकि लोगों को जो अभी जो उत्तरायण का फेस्टिवल आ रहा है उसमें काफ़ी क्रेज होता है काइट का, और जो मांजा है इसका बहुत क्रेज होता है, और गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद सिटी में हूँ मैं, तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज है, और गुजराती लोग हैं जो बहुत ही खाने के और इस तरीके से फेस्टिवल को एंजॉयमेंट बहुत करते हैं। तो उत्तरायण यहाँ 2 दिन मनाया जाता है, 14 तारीख को और 15 तारीख को। 14 तारीख को मकर संक्रांति रहती है और उसके 15 तारीख को उत्तरायण का दिन जो रहता है, ये बड़ा एंजॉयमेंट का दिन है इन लोगों का, और सच में बहुत मेहनत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। मैं तो खुद
आप लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत हैरान हूँ कि इस लेवल पे मेहनत, क्योंकि ऐसी मेहनत जो हम लोग जो लोग वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, वो कंपनियों में काम करते देखे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से धागे के लिए इतनी मेहनत जो कि एक ईजिली मशीनरी प्रोसेस से भी हो रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिर भी ये लोगों की है। चलिए दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक्स करना, कमेंट्स करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो नए व्यूवर्स हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय।